नमस्कार बच्चों, ये मध्यकालीन भारत के हम अपना दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। आगे हम बता रहे थे कि सुगुप्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी हुआ, महमूद गजनवी हुआ, जो 997 ईस्वी में अफगानिस्तान में शासक बना। इन्होंने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी क्या था? 1001 से लेकर 1027 तक में 17 बार आक्रमण किया भारत पर। मूर्ति विध्वंसक होने के कारण इनको बुद्ध सिकन की उपाधि दी गई। इनको क्या कहा गया? बुद्ध सिकन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति विध्वंसक थे। इन्होंने सोमनाथ के मंदिर लूटा और उसी आक्रमण में इन्होंने जिहाद का नारा दिया। इन्होंने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था और आक्रमण में किस चीज का? जिहाद का नारा दिया था। इनके समय में प्रसिद्ध प्रख्यात विद्वान अलबेरूनी इसी के साथ भारत आया था, जिनका किताब है, जिनका प्रमुख रचना पुस्तक है किताबुल हिंद। अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? किताबुल हिंद। अब हम देखते हैं इनका जो होता है 1030 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी में मृत्यु हो जाती है। किसका? महमूद गजनवी का। अब महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी के अफगानिस्तान के गौर से आया था। 1175 ईस्वी में कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान के गौर से आए थे। और 1178 ईस्वी में काठियाबाद, जो कि गुजरात में है, काठियाबाड़ का है गुजरात में, इन्होंने क्या किया? भीम तृतीय को हराए थे। भीमराज तृतीय को इन्होंने हराए थे। और 1191 ईस्वी, जो कौन सा युद्ध कहा जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से के हाथों हारना पड़ा था। और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरा युद्ध में फिर इन्होंने विजयी रहा। अब देखते हैं इन्होंने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी किसको हराया था? तो चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। अब देखते हैं 1191 में इन्होंने क्या किया था। इनका प्रमुख सेनापति बख्तियार खिलजी 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का, आप लोग नाम सुना है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। आग इतनी भयानक थी, आग इतनी भयानक थी कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 3 महीना तक जलते रह गया था। अब देखते हैं 1206 ईस्वी में खोखरो जनजाति द्वारा इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में क्या कर दी गई? खोखर जनजाति के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इनका गुलाम 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक बनकर गुलाम वंश का स्थापना किया। प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को पे आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को सीरियली ढंग से हम टोटल सल्तनत के बारे में बताते रहेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नमस्कार।